राम राम, वेलकम टू बाइक ट्यूब। आज चलिए हम दमालू बनाना सीखते हैं कि दमालू कैसे बनाई जाती है। दमालू वो आलू को फ्राई करके और बहुत ज़्यादा मसाले में, वो नहीं, ये एक दमालू मसाला आता है जो कि हम लोगों का इलाहाबाद में ज़्यादा मिलता है, तो वो सिंपल ही होता है बट बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम लोग दमालू बना सीखते हैं। इसके लिए मुझे हाफ के जी उबले हुए आलू, इसको मैंने छील के और मैश कर दिया है थोड़ा, मतलब मोटे टुकड़ों में। ये 4 चम्मच के आसपास वेजिटेबल ऑयल है, आप जो भी सरसों का तेल या कोई रिफाइंड ऑयल जो भी आप पसंद करें। ये इमली का थोड़ा सा भिगा दिया करीब 25 ग्राम के आसपास, और उसे भिगा के और छान लिया है। ये काला नमक 1 चम्मच, और ये 4 चम्मच, इतने आलू के लिए, हाफ के जी के लिए ये 4 चम्मच दमालू मसाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक यूज़ करिएगा। ये लाल मिर्च 1 चम्मच के आसपास, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो डालें, वरना नहीं, ठीक है, मसाले में सफिशिएंट होती है। ये काली मिर्च 10-12 दाने, ये लौंग आपकी 5, हरी मिर्च 1 हरी मिर्च लेके आप मोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ लीजिए उसे, और ये ज़ीरा 1 चम्मच, ये हींग 1 पिंच। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा चटकने लगेगा, तो उसके बाद ये लौंग, काली मिर्च और ये 1 पिंच हींग, इसको डालने के बाद अब ये हम इसमें आलू डाल देंगे। काला नमक, और ये सादा नमक, और इसको थोड़ा भूनेंगे, क्योंकि भूनने पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप थोड़ा लाल इसे भून लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये दमालू जैसे लोगों के दिमाग में आता है कि दमालू, दमालू का मतलब वो काफ़ी ऑयली और मसाले वसाले वाला दमालू, तो वो दमालू नहीं, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा अच्छा वही दमालू, लेकिन उसका अपना अलग टेस्ट है और इसका अपना अलग टेस्ट है। ये इलाहाबाद का बहुत ही फेमस फूड है, कहीं भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, दमालू वहाँ ज़रूर बनता है, और इसे हम लोग कचौड़ी के साथ खाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, ये हमारा आलू भुन गया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, करीब आधा ग्लास पानी हो गई है आपका। ये बहुत इसमें ग्रेवी इसकी पतली नहीं होती है और ना ही बहुत थिक सी होती है। अब ये इमली का इसमें पल्प डाल देंगे, अब ये थोड़ा अच्छे से उबलने लगे, इसका कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है, और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये दमालू मसाला जो होता है, ये हमारे इलाहाबाद में जो मिलता है उसका टेस्ट अपना अलग होता है। वैसे तो दमालू मसाले मिलते हैं हर जगह, लेकिन हर जगह की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। ये देखिए, ये इतना थिक होगा और इसका कलर भी बहुत सुंदर आ रहा है। इसको पूरियों के साथ अगर आप खाइए या कचौड़ी के साथ, तो ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा दमालू बिल्कुल रेडी है, ये इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए इसकी, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, इसकी ग्रेवी बस इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम,
अगर आप जैसे बना के रखते हैं, नम आलू बना के रख दिया, फिर ये धीरे धीरे ना गाढ़ी भी हो जाती है, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि पानी इसमें कितना ऐड करना है। अच्छा, ये मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी कि दम आलू के बनाने में पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो मैंने पुदीना भी डाला है। अब इस समय हरा पुदीना तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता भी है तो वो खुशबू नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग इसे सुखा के रखते हैं और वो इसमें जरूर डालते हैं, क्योंकि वो जैसे एक होता है ना कि चोली दामन का साथ, वो वाली बात होती है दम आलू में पुदीने की, तो इसलिए आप इसमें पुदीना जरूर डालिए, क्योंकि इसके बिना वो सूना सूना सा लगता है, उसका वो टेस्ट भी नहीं आता है। और ये गरम गरम दम आलू आप कचौड़ी के साथ खाइए, अरे वाह मजा आ जाएगा। अब ये हमारा दम आलू हो गया है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसे सर्व करने के लिए एक बर्तन में निकालती हूँ। ये इसका ग्रेवी आप देख रहे हैं, इसकी ग्रेवी बस ऐसे ही, इससे ज्यादा पतली नहीं होगी बिल्कुल, और इतनी भी ये नहीं रहेगी, अभी थोड़ी देर के बाद ये और इसमें सूख जाएगी। अब ये हमारा दम आलू आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब आप इसे इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, सर्दियों में इसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। थैंक यू।